गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको सेलेंट्रेटा संघ के बारे में बताया था। सेलेंट्रेटा का शाब्दिक अर्थ होता है सेल, सील का अर्थ होता है होलो, और एंट्रा का एंट्रोन का अर्थ होता है इंटेस्टाइन, जिसका अर्थ होता है गुहा या आंत्र, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें खोखली नाल पाई जाती है उन्हें सेलेंट्रेटा संघ कहा जाता है। देखिए, सेलेंट्रेटा संघ के जंतुओं की खोज ल्यूकर्ट नामक वैज्ञानिक ने की, या सेलेंट्रेटा संघ नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है ल्यूकर्ट, और हैचक नामक वैज्ञानिक ने सेलेंट्रेटा को ही निडेरिया संघ नाम दिया। हैचक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इन जंतुओं में सेलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण इनका नाम इन्होंने निडेरिया संघ नाम रखा। निडेरिया संघ के जंतु अधिकांशतः समुद्रवासी होते हैं, कुछ जंतु स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं। ये जंतु एकल भी पाए जा सकते हैं, कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। और कैसे होते हैं स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और कैसे होते हैं ये जंतु जो होते हैं इनके अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें अधिकांशतः आर्य सममिति भी पाई जाती है। देखिए, आपको बताया है कि हमने इन जंतुओं का शारीरिक जो संगठन होता है वो किस प्रकार का होता है। इन जंतुओं का शारीरिक संगठन उत्की स्तर का होता है। इस संघ के जंतुओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, शीर्ष भाग पर मुख पाया जाता है, ठीक है, और मुखी गुदा के रूप में भी, मुख जो होता है वो गुदा के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। इसके शीर्ष भाग पर क्या है, खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये जंतु क्या करते हैं, गमन करने का कार्य करते हैं। इन जंतुओं के अंदर पॉलिप और मेडुसा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। पॉलिप अवस्था मैंने आपको बताया कि पॉलिप अवस्था के अंदर जो जीव होते हैं स्थानबद्ध होते हैं, उनमें अलैंगिक अवस्था पाई जाती है। मेडुसा अवस्था में लैंगिक अवस्था पाई जाती है और ये स्वतंत्र प्रकार के होते हैं। देखिए, इसके बाद हमने आपको बताया कि इन जंतुओं के अंदर परिवर्तन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। लार्वा अवस्था इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। इनके अंदर प्लेनुला लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है टीनोफोरा फाइलम पर हम बात करने जा रहे हैं, टीनोफोरा संघ के बारे में। देखिए, टीनोफोरा संघ के बारे में हम बात कर रहे हैं, टीनोफोरा संघ। देखिए, अन्य संघों की अपेक्षा ये टीनोफोरा जो संघ होता है वो एक छोटा संघ है, ठीक है। इस संघ के जंतु अधिकांशतः कैसे होते हैं, समुद्रवासी होते हैं, मोस्टली ही समुद्रीवासी होते हैं। यानी कि टीनोफोरा संघ के जंतु जो होते हैं वो सैलाइन वाटर के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। कौन से जल के अंदर पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, और लवणीय जल कहाँ पर होता है, समुद्र में पाया जाता है। इसलिए ये अधिकांश जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें समुद्रवासी कहते हैं। देखिए, टीनोफोरा संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर दो स्तरों से मिलकर के बना होता है, ठीक है, अर्थात ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। एक्टोडर्म से और किससे बना होता है, एंडोडर्म से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। टीनोफोरा संघ के जंतुओं का जो शारीरिक संगठन होता है वो कौन से प्रकार का होता है, आपको बता दो, उत्की स्तर का इनका शारीरिक संगठन पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, शारीरिक संगठन जो होता है वो कौन से स्तर का पाया जाता है, उत्की स्तर का पाया जाता है। टिश्यू लेवल का क्या है, पाया जाता है। उत्की स्तर का इनका शारीरिक संगठन इन जंतुओं के अंदर क्या है, पाया जाता है। देखिए, इन जंतुओं के शरीर पर स्पर्शकों का अभाव होता है। इन जंतुओं के शरीर में आठ क्या पाई जाती है, पक्षांबी कंकत पट्टिकाएं पाई जाती हैं। आठ पक्षांबी
पट्टिकाएं पाई जाती है जिनकी सहायता से जंतु क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं। अर्थात ये पक्षांभिक अंकक पट्टिकाएं जो होते हैं वो चलन अंक के रूप में क्या करते हैं, यहाँ पर कार्य करते हैं। इस संघ के जंतुओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इनमें क्या पाई जाती है, जैव संदिप्तता पाई जाती है। जैव संदिप्तता इंग्लिश में बोलते हैं बायोल्यूमिसेंस, ल्यूमिसेंस, ठीक है। अर्थात इस संघ के जो जंतु होते हैं ये प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इन जंतुओं से प्रकाश क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। इन जंतुओं में अगर पाचन की बात करें तो इन जंतुओं में पाचन की दृष्टि से ये क्या होते हैं, इंटर डाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। इंटर भी और इंट्रा, अंत और अंतरा, ठीक है। डाइजेशन इन जंतुओं के अंदर क्या है, पाया जाता है। इंटर और इंट्रा डाइजेशन पाया जाता है किनमें, तीनों फोरा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। देखिए ये जंतु अधिकांशतः कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। अधिकांशतः ये जंतु कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। दोनों जनन अंग एक ही जीव के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। तीनों फोरा संघ के जंतुओं में केवल क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। कौन सा जनन पाया जाता है इन जंतुओं में, केवल लैंगिक जनन इन जंतुओं में पाया जाता है। इनकी अगर देहगुहा के बारे में बात करें तो ये कैसे होते हैं, इनमें देहगुहा का अभाव होता है। ये एसीलोमेट प्रकार के जंतु होते हैं। कौन से जंतु होते हैं, एसीलोमेट प्रकार के जंतु होते हैं, अर्थात अगुहीय होते हैं, अर्थात जिनमें देहगुहा का पूर्ण रूप से क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, देहगुहा का पूर्ण रूप से क्या होता है, अभाव होता है। देखिए इनके अंदर जो निषेचन होता है वो बाह्य प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन जंतुओं के अंदर पाया जाता है। बाह्य निषेचन में आपको बता दूं, वे जंतु जिनमें युग्मकों का संलयन, ठीक है, बाह्य वातावरण में होता है, शरीर से बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन कहा जाता है। इन जंतुओं के अंदर जो परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन जंतुओं के अंदर पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन जंतुओं में पाया जाता है। और जिन जंतुओं का अप्रत्यक्ष रूप से विकास होता है, परिवर्तन होता है, उनके अंदर कौन सी अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था उन जंतुओं के अंदर क्या है, पाई जाती है, ठीक है। तो टीनोफोरा संघ के जंतुओं में भी क्या पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। श्वसन और उत्सर्जन करने के लिए इन जंतुओं में कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं। आपको बता दें इन जंतुओं में भी प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सीलेंटेटा की भांति ही इस संघ के जंतुओं में भी श्वसन की क्रिया शरीर की सामान्य सतह से होती है, ठीक है। शरीर की सामान्य सतह से श्वसन की क्रिया इन जंतुओं के अंदर होती है। इनके एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, बेराई, वेलामिन, ठीक है, और तीसरा होता है टीनोप्लेना। ये कुछ ही जंतु हैं वो टीनोफोरा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। टीनोफोरा संघ के जंतुओं के बारे में आपको एक बार फिर सरसरी निगाह से बता देता हूं। अधिकांशतः जंतु समुद्रवासी होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है, आठ पक्षांभिक अंकक पट्टिकाएं पाई जाती हैं जिनकी सहायता से जंतु क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं। इन जंतुओं की मुख्य विशेषता है कि इनमें जैव संदिप्तता पाई जाती है, अर्थात इन जंतुओं के शरीर से प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इनमें अंतर और अंतरा पाचन, कोशिकीय पाचन पाया जाता है। ये जंतु द्विलिंगी होते हैं, केवल लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। ये जंतु अगुहीय होते हैं, इन जंतुओं में बाह्य निषेचन की क्रिया क्या है, पाई जाती है। इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है। कौन सा परिवर्धन पाया जाता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है, अर्थात इनमें लार्वा अवस्था भी पाई जाती है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, बेराई है, वेलामिन है और टीनोप्लेना। ये जंतु टीनोफोरा संघ के जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। देखिए बात करते हैं अगले फाइलम के बारे में, जिसका नाम है प्लेटीहेलमेंथीस, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइलम पे बात करने जा रहे हैं, पांचवा फाइलम है जिसका नाम है प्लेटीहेलमेंथीस संघ।
देखिए भैया, देखिए प्लेटी हेलमेंथिस संघ जो नाम दिया गया ठीक है, या उसकी खोज की गई थी, वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गेगनबार। ठीक है, पहले हम आपको बता रहे हैं प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस ठीक है। देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्लेटी का अर्थ होता है फ्लैट और हेलमेंथिस का अर्थ होता है वर्म। फ्लैट का अर्थ होता है चपटा, वर्म का अर्थ होता है क्रमी, अर्थात प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जो जंतु होते हैं वो चपटे क्रमी के समान होते हैं। किसके समान होता है? चपटे क्रमी के समान होता है। ठीक है, देखिए प्लेटी हेलमेंथिस संघ की जो खोज की थी या प्लेटी हेलमेंथिस संघ का नाम दिया गया, वो गैगन बार नाम के वैज्ञानिक ने दिया। गैगन बार नाम के वैज्ञानिक ने प्लेटी हेलमेंथिस संघ नाम दिया, या हम कह सकते हैं प्लेटी हेलमेंथिस संघ की स्थापना गैगन बार नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। देखिए ये जंतु जो होते हैं उनके आवास के बारे में बात करते हैं। प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जो जंतु होते हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं? अंत परिजीवी होते हैं, अर्थात वो किसी दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो अंत परिजीवी होते हैं, एंडो पैरासाइटिक होते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र जीवी होते हैं, स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? गति करते हैं। इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो पृष्ठ और अधोसतह पाई जाती है, पृष्ठ सतह भी पाई जाती है, डोर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस यहां पर पाई जाती है। और वो सतह कैसी होती है? इनकी चपटी होती है। ठीक है, देखिए इन जंतुओं का जो शरीर होता है उस पर मोटा क्यूटिकल का क्या पाया जाता है? स्तर पाया जाता है। ठीक, क्यूटिकल का जो लेयर होता है वो प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतुओं के ऊपर पाया जाता है। ठीक, क्यूटिकल का लेयर कहां पर पाया जाता है? प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतुओं पर पाया जाता है। प्लेटी हेलमेंथिस संघ के कुछ जंतु जो होते हैं उनका शरीर खंडित होता है, सेगमेंटेड होता है, तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका शरीर कैसा होता है? अखंडित होता है, अर्थात खंडों में नहीं बंटा होता है, अनसेगमेंटेड होता है। अर्थात इन जंतुओं में कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सेगमेंटेड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अनसेगमेंटेड होते हैं। इन जंतुओं में आपको मैं बता दूं, प्लेटे हेलमेंथिस संघ के कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें आहार नाल पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल उनके अंदर पाई जाती है, पर कुछ जंतु ऐसे होते हैं जहां पर एलिमेंट्री कैनाल क्या है? नहीं पाई जाती है, आहार नाल का अभाव होता है। प्लेटे हेलमेंथिस संघ के कुछ जंतुओं में आहार नाल पाई जाती है, कुछ जंतुओं में आहार नाल नहीं पाई जाती है। आपको बता दूं, प्लेटी हेलमेंथिस संघ के कुछ जंतुओं में क्या है? मुख पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतुओं में मुख तो पाया जाता है, माउथ, माउथ तो पाई जाता है, मुख तो पाया जाता है, परंतु उन जंतुओं में गुदा का क्या होता है? अभाव होता है, एनस इज एबसेंट। ठीक है, मुख तो पाया जाता है उन जंतुओं में, परंतु उनमें गुदा का पूर्ण रूप से क्या होता है? अभाव होता है। इन जंतुओं में श्वसन की जो क्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है, वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होती है। श्वसन की क्रिया जो होती है वो शरीर की कौन सी सतह से होती है? सामान्य सतह से होती है। ठीक है, और वो भी कौन सी विधि के द्वारा? मैंने आपको बताया था विसरण की विधि के द्वारा होता है, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। तो प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतुओं में भी श्वसन की क्रिया के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते, इनमें भी श्वसन की क्रिया जो होती है वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा ही होता है, परंतु इनमें उत्सर्जन करने के लिए एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है, एक्सक्रेशन के लिए, उत्सर्जन के लिए। ठीक है, इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? फ्लेम सेल कहा जाता है। फ्लेम सेल को हम ज्वाला कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या है? श्वसन की यानी कि उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए क्या पाई जाती है? ज्वाला कोशिका पाई जाती है यहां पर, यानी कि एक स्पेसिफिक प्रकार का अंग इन जंतुओं में पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतुओं का जो शारीरिक संगठन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है,
शारीरिक संगठन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कौन सा स्तर का होता है? अंग और तंत्र स्तर का होता है। ऑर्गन और सिस्टम लेवल का इन जंतुओं में पाया जाता है। शारीरिक संगठन कौन सा पाया जाता है? अंग और तंत्र स्तर का इन जंतुओं में पाया जाता है। इन जंतुओं के शरीर में तीन प्रकार की पेशियां पाई जाती है, वृत्ताकार पेशियां पाई जाती है, अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है, ठीक है, और अनुप्रस्थ पेशियां इन जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है। तो तीन प्रकार की जो मसल्स होते हैं वो इन जंतुओं के अंदर क्या है, पाई जाती है, ठीक है। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो प्लेटी हेलमेंथी संघ के जो जंतु होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इन जंतुओं में नर्वस सिस्टम क्या है, पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या है, पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो सीढ़ी नुमा होता है। कैसा होता है? सीढ़ी नुमा होता है और उसमें क्या पाए जाते हैं, गुच्छक होते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र सीढ़ी नुमा व गुच्छक प्रकार का होता है। सीढ़ी नुमा और कैसा होता है? गुच्छक प्रकार का होता है। देखिए प्लेटी हेलमेंथी संघ के अधिकांशतः जो जंतु होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। अधिकांशतः जंतु कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, परंतु कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। अधिकांशतः जंतु तो द्विलिंगी होते हैं, परंतु कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें देखो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, स्व निषेचन भी होता है, पर निषेचन की क्रिया भी होती है, इनमें अंत निषेचन की क्रिया भी होती है, स्व निषेचन, पर निषेचन और अंत निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। देखिए स्वनिषेचन की क्रिया भी होती है इनके अंदर, ठीक है, पर निषेचन की क्रिया भी होती है और अंत निषेचन की क्रिया भी इन जंतुओं के अंदर क्या है, पाई जाती है। कौन से संघ के जंतुओं में पाई जाती है? प्लेटी हेलमेंथी संघ के जंतुओं में पाई जाती है। देखिए दूसरी बात अगर हम यहां पर करें तो प्लेटी हेलमेंथी संघ के जो जंतु होते हैं इनका परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का भी होता है और अप्रत्यक्ष प्रकार का भी होता है। परिवर्धन कैसा होता है, डेवलपमेंट जो होता है इनका वो प्रत्यक्ष भी होता है और कैसा होता है, डायरेक्ट प्रकार का भी होता है और कैसा होता है, इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। और मैंने आपको बताया अगर अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्धन होता है तो वहां पर कौन सी अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था वहां पर पाई जाती है। कौन सी अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था वहां पर पाई जाती है। देखिए यहां पर जो विदलन होता है एक मेन करैक्टर है विदलन का, यहां पर सर्पिल और निर्धारी प्रकार का क्या पाया जाता है, विदलन पाया जाता है। सर्पिल और निर्धारी प्रकार का विदलन पाया जाता है, सर्पिल और निर्धारी प्रकार का क्या पाया जाता है, विदलन इन जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। देखिए अगर और करैक्टरों पर अगर हम ध्यान दें तो एक करैक्टर इनका ये भी है कि प्लेटी हेलमेंथी संघ के जो जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, पॉली एम्ब्रोनी इन जंतुओं के अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पॉली एम्ब्रोनी इन जंतुओं में पाई जाती है, बहुभ्रूणता इन जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है। पादपों में तो बहुभ्रूणता पाई जाती है, ऐसे ही प्लेटी हेलमेंथी संघ के जंतुओं में भी क्या पाई जाती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। देखिए प्लेटी हेलमेंथी संघ के अंदर मैं बता दूं प्लेन एरिया एक जंतु आपने नाम सुना होगा, फेसिओला सुना होगा या टीनिया सेजिनेटा सुना होगा या टीनिया सोलियम सुना होगा, ठीक है। ये सारे जंतु जो होते हैं वो प्लेटी हेलमेंथी संघ के अंतर्गत आते हैं। प्लेन एरिया होता है, फैसियोला होता है, टीनिया सोलियम होता है, टीनिया सेजिनेटा होता है, ये सारे जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं, प्लेटी हेलमेंथी संघ के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर हम आपको प्लेटी हेलमेंथी संघ का रिपीटेशन कर रहे हैं, वापस दोहरान कर रहे हैं। प्लेटी हेलमेंथी जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है प्लेटी हेलमेंथी दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्लेटी प्लस हेलमेंथी। प्लेटी का अर्थ होता है फ्लैट, हेलमेंथी का अर्थ होता है वर्म। फ्लैट का अर्थ होता है चपटा, वर्म का अर्थ होता है क्रमी, अर्थात इनके संरचना चपटे क्रमी के समान होती है। गैगेनवार नामक वैज्ञानिक ने प्लेटी हेलमेंथी संघ के जंतुओं की खोज की।
इन जंतुओं के मेन करेक्टर मैंने बताया कि जंतु जो होते हैं वो मोस्टली अंतः परिजीवी के रूप में रहते हैं या स्वतंत्र जीवी होते हैं। इन जंतुओं का जो शरीर होता है उस पर क्या पाई जाती है, मोटा क्यूटिकल का क्या पाया जाता है, लेयर पाया जाता है। कुछ प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतुओं का शरीर खंडित होता है तो कुछ का अखंडित होता है। कुछ जंतुओं के शरीर में माउथ पाया जाता है परंतु गुदा का उनमें क्या होता है, अभाव होता है। श्वसन की क्रिया जो होती है वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होती है। इनमें उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए क्या पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। इसलिए हमने बताया कि प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतुओं में जंतुओं का शारीरिक संगठन जो होता है वो कौन सा प्रकार का पाया जाता है, अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। इन जंतुओं में नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पाया जाता है और सीढ़ी नुमा होता है, सीढ़ी नुमा और गुच्छक होता है। ये जंतु द्विलिंगी होते हैं, अधिकांशतः द्विलिंगी होते हैं, कुछ जंतु एकलिंगी भी होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, प्लेटे हेलमेंथिस संघ के जंतुओं का जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इन जंतुओं में स्वनिषेचन, परनिषेचन और अंतःनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। स्वनिषेचन की भी, परनिषेचन की और अंतःनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। इन जंतुओं में सर्पिल और निर्धारी प्रकार का विचलन पाया जाता है। आपको मैंने बताया है कि प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतुओं में बहुभ्रूणता पाई जाती है। देखिए प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतु जो होते हैं वो त्रिजनन स्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कौन से होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनका शरीर, अर्थात प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतुओं का शरीर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के बना होता है। देखिए इनके अंदर भी देह गुहा का अभाव होता है। ये जंतु भी कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, अगुहीय प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, अगुहीय प्रकार के होते हैं। कौन से, प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतु। ठीक है, इन जंतुओं का शरीर जो होता है वो पृष्ठ और अधर सतह पाई जाती है और जो दोनों सतह कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं, चपटी होती है। ये हो गया है प्लेटी हेलमेंथिस संघ के मुख्य लक्षण। एग्जाम्पल मैंने बता दिया प्लेनेरिया, फैसियोला, तीसरा मैंने आपको बताया टेनिया सेजिनेटा, टेनिया सोलियम। ठीक है, अधिकांशतः जीव होते हैं वो अंत परिजीवी के रूप में पाए जाते हैं, कुछ ही जीव क्या है, परिजीवी के रूप में, स्वतंत्र जीवी के रूप में रहते हैं। देखिए इसी के साथ हमने प्लेटी हेलमेंथिस संघ पर आपसे चर्चा कर लिया। अब तक हम आपको 5 नॉन कॉर्डेटा के फाइलमों पर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एस्के हेलमेंथिस और एनेलिडा संघ पर चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच। Thank you.